राम राम जी सबने। तो आज का व्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत है। तो आज का व्लॉग कुछ न्यू है कि काम तो सारा बन गया है सवेरे, और इतने बड़े बड़े दिन हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े पूछो ना, काटने औखे हो रहे हैं, और ऊपर तो लाइट को नहीं आती, फिर इन्वेटर भी टू 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 करे जावे है। किसका गला यह बात बन रही है कमेंट में जरूर बताना। दो दो बैटरी भी टेक के देख लिए, इब कई पंखे हैं, पंखा एक भी चलावा फिर भी बोल रहा है क्योंकि पूरा दिन चल रहा है, नहीं कदे भीतर का कदे बाहर का कदे भीतर का नू। और इब सोचू थी जींद जाने की, सोच तो रहे थे बाकी देखा भी, क्योंकि दीपक का है जन्मदिन। तो सबसे पहले तो दीपक ने विश कर दियो, दीपक का जन्मदिन है 11 अप्रैल का। और केक लेने की सोचू थी, यूँ तो नुकवा मैं मनांदा नहीं नुकवा के करूँगा मना का, तो फिर बालको आगा नहीं आगे फिर मनाए करेंगे। इब जब बड्डे है तो मनाना तो पड़ेगा। मैं बोली मना नानू सुक्का दिन कौन काटना, केक तो काटेंगे वहाँ। 11 अप्रैल का है इसका जन्मदिन, मेरे पहला ही याद था कई दिन, और पिछली बार वाली गलती कौन करी मैंने। और ईब जब याद है तो इतनी तैयारी नहीं हो पाई, पिछली बार याद कौन था भाई, मेरा नो गया था मखा, याद नहीं मैं तैयारी कर दी। ईब चलो मना ही लेवा, जब देखा भी इनको गला प्लान करूँ कुछ के करेंगे के नहीं, बाकी सजावट सजूट वाला तो कुछ सिस्टम कर देगा नहीं है, क्योंकि ठीक है सही मनावेंगे लेकिन केक जरूर काटेंगे। खुशी का दिन है, बड्डे है, मनाना तो पड़ेगा है नहीं। सो यू सबके मनावा है, इसका भी कोई मना नहीं है, वो सबकी खुशी देखा यू, इसकी भी खुशी देख लिया पा है ना। तो जिस तरह आप सबने देखा कि दीपक का जन्मदिन की बात चल रही थी, और पहले तो हमने वो प्रैंक काटा रीना और पे उसमें भी चढ़ रहे थे सारे, लेकिन मैंने एक प्रैंक और प्लान कर रखा है दीपक गिल, दीपक ने नहीं बेरा इस चीज़ का, दीपक पे ये प्रैंक करेंगे क्योंकि दीपक का जन्मदिन है, और ऊँ तो हम जन्मदिन अगला दिन शाम ने मनाए कर रहे हैं, लेकिन यू प्लान करे हमने आज 12 बजते बढ़िया सा जन्मदिन मनाना है इसका, और जन्मदिन भी जमन कसुताड़ा बनाना है। तो सबसे पहला तो मैं आप सब बता दूँ, रिंकू है इस प्लान में शामिल, अरे एक है ज्योति, इब आप सोचोगे ज्योति तो है ही कौन, तो ज्योति मैंने बुला ली थी आज, वह कहा थी दीदी मैं आ जाऊँगी, लेकिन वह लेट हो रही है थोड़ी, और दीपक ने इस चीज़ का बेरा कौन कभी आवेगी कि 10-11 बजे से कहा थी दीदी मैं पहुँच जाऊँगी रात के, तो पर्सनल कैब करेगा रहा वह, कैब में कोई दिक्कत को नहीं होती, चाहे कितने टाइम कितने बजे बुला लो कैब ने, चाहे 10 बजे चाहे 1 बजे चाहे 12 बजे, वो पर्सनल हो गाड़ी तो वह गाड़ी में आवे है। और दीपक ने इस चीज़ का कौन बेरा कभी, ज्योति भी आने लग रही है, रिंकू ने पता है, मन ने पता है, बाकी माँ ने भी नहीं बेरा क्योंकि जिक्र है कौन छेड़ा माँ आगे तो इस बात का, और दीपक की सोने की तैयारी हो रही है, वह तो 10-11 बजे सो जग रहा है, उसने नू बेरा कभी हमारा उरा जन्मदिन अगला दिन शाम ने मनावा है, अरे वो अगला दिन ये सोच रहा है कभी अगला दिन केक काटेंगे, असल में तो नाट्य था, लेकिन मैंने कह था कभी हाँ तेरा जन्मदिन मनावेंगे जरूर, अगला दिन मना लेंगे वहाँ चल। और दीपक सोने की तैयारी में है, उसने इब कोई अंदाजा नहीं कभी ज्योति भी आवेगी कभी तेरा केक भी कटागी 12 बजे, फिलहाल इब 11 बज रहे हैं, देखो 11 बज के मैं आप सबने बताऊँ 11:41 हो रहे हैं, ज्योति बस आने लग रही होगी, वो कहो थी दीदी आप टेंशन ना लो मैं आराम तक पहुँच जाऊँगी, और केक मैंने मंगा कर दर रखा है दिंकू पर फ्रिज में जो मैंने पैक करके दर रखा है, और तो बाकी छोटा मोटा सामान यू ले आया होगा, रिंकू भी ऊपर है वो ऊपर सोया करो, उन्हें भी बुलाऊँ भी 12 बजन हो रहे हैं, तो भाई मेरा फ़ोन की बैटरी कम है, फ़ोन ना चार्ज लाऊँ फटाफट, नहीं थोड़ी सी मिनट में के चार्ज होगा, दूसरा फ़ोन बाड़ा हमने, और बस बने रही हो पूरा ब्लॉग में, मैं फटाफट तैयारी करूँ इन चीज़ें, कितना ज्योति आओ सारा सामान तैयार करके देती हूँ, तो दीपक का केक भी तो कटवाना है, अरे तो सोने लग रहा होगा, सोने की तैयारी कर रहा है, फ़ोन चलाने चलाने तो सो जाएगा, जब 12 बज के नहीं जब भी नहीं सोए तो 12 बजे के बाद भी केक काटेंगे हम, इतनी बाट देख रहे हैं, बाकी दीपक ने इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं है, उसने तो एकदम सरप्राइज मिला है, एक तो ज्योति का और ऊपर तक फिर केक कटिंग का, और ऊपर तक एक और सरप्राइज है, आप देख दे रही हो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने पहले सोच रखी थी यार, नू कहो था मैं नहीं मनांदा मैं नहीं मनांदा, मनावा गई सा कि जमन पागल हो जाएगा, बने रही हो पूरा ब्लॉग में। तो भाई 12 बज गया यार मेरे नूरी ज्योति कट जाओ ज्योति आएगी है जमा,
कड़े से रह लिया वे आजा मम्मी खोलूंगी कुंडा कदे तू खड़का देर सब न ठा दे सहज कर ले ठीक है ठीक ठाक आ गई होगी चाह पानी बाद में पियाऊंगी पर स्टेले दीपक सोता पड़ेगा सो रहा सो गया तो बाद में विश कर देंगे 12 तो बज गए अंदर है सामान तैयार है कलर है तो भाई रिंकू ने ठा दे बारह बज गए उठ ले पागल ज्योति भी आ गई देखी ये देख कौन थम कह 12 बज गए दीपक का जन्मदिन नहीं कहता है दीपक का जन्मदिन नहीं मनांदा के ज्योति की हेलो हाय तो कर ले बेचारी की भाई आया हेलो भैया कैसे हो सुन प्लान बना रखे दीपक का पहला रंग लावेंगे ठीक है फिर फुहारा मारेंगे फिर एकदम विश कर देंगे ठीक है के तेरे तेनू मारे तू ठाया गहरी नींद में था ले पकड़ ले इबे ना मारी 12 तो बज लिए तेने विश को नहीं करे पागल बाद में कर देव तो सो गया वा चल चल ये तार दे ओ पड़े पीछा पीछा नींद के दुखिया एक और भी तो था क्यों तेरा होगा ना हम केक लेवा या नींद खोल ले या ओए उठ जा गया वो पागल देखियो सक तो मेरी माँ भी उठेगी ना बोली के करो आज ही साथ हम आ जमा आ बगी के मेरी माँ भी आ जा रही है बेचारी प्रैंक कर कर के ये मिली ज्योति तो भाई देखो रिंकू का इसका दीपक का केक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना ले ज्योति एकदम सरप्राइज दे देंगे अब वह कौन बजावेगा धड़ाम वाला अच्छा रिंकू तो भाई ना पूरी तैयारी में हूँ दीपक का केक कटवाने की पूरा तकड़ा सरप्राइज मिलेगा चाले तू मारने पहला तू को आह मैं मारूं ले मारूंगा तुझे ले मारूंगा तुझे
सारे कपड़े में बात नहीं है तो बर्थडे जो मेरे थोड़ा मतलब हेलो हैप्पी बर्थडे यू के हरियन तक गए खत्म कर दिया यू देखिए तो तू ना मैं के कपड़े में कोई बात नहीं इसे पहनो ये तो खत्म भी कर दिया ही मैं तो ये ऊपर करो ऊपर करो अच्छा तो आया था ये मेरा बर्थडे तेरा नहीं चिंता बस पता थी देख जाओ बोले क्या मायने देख दो इधर कपड़े हो गए खराब क्या बना कर गया सामान भी बाहर पड़ा भी लेके आऊंगी पागल मर ही अंदर से अरे फिर हमें सरप्राइज देना था हमको कैसे देते हो पर्दा पहन दिया मैं फोन दीदी वो लेके आओ मां जी तो भूल गई कपड़े खराब हो गए और झड़ जाएंगे यार वो तो झड़ जाएंगे खराब था सुते सारे ओए केक सुबेरे काट लियो क्यों खराब करो रहने दो मेरे मुंह पर मारा सुते सुते जय हो माता की सुन गया इसने ये चादर 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 हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे तो ताम ना आज इतना बार दिख रहा हूँ कुछ नहीं राय दे रहा है रात में बता क्या कर रही खत्म नहीं हुई अभी सही दुबारा है तो कट ले ही चुकी है यूरिंग को कहना आगे थी दे दे बस ये ना कैसे तू तम कुछ कैसे का थोड़ा पैट रात में हम तो ऐसे ही तैयारी करते हैं ले भी तन्ने खाना है सारा बार मैं तो नींदा में खड़ा हूँ और ये झटका जो जब मैं सारे नु कर दिए और को तोड़ चला तो भी सही है अरे खराब हो ली टी शर्ट तो आज ले आई थी क्या सुते पड़े हैं चल अलग कटाए दम चल क्या आता है नहीं चल ले आओगे और अभी वो रोटी लाई हुई नहीं चलो ना रिंकू को मंगवाया था और पहले ही प्लानिंग कर ली थी मैं ले लूंगा स्वाद हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे टू यू आ एक ही बोल दो तुम तो हैप्पी बर्थडे दीपक काहेरे आ गए तो थे आते हैं लोगों में पे ये थोड़ा गया यार आओ खाओ लेमन दे दे पहले मैं खाऊंगा रुक जा ये अरे ला तू तू खा तो ले मेरे नाम का एक बार दे मेरा तारे ले यार मैं नहीं बार मैं मुंह बना रहा है मैं मुंह खराब हो जा रहा है अरे ये तो सही हुआ के करूं जब ने खाने दे इतने वैसे मुंह पे चमक आई हुई है दिया पे आज तो ग्लो आ रहा है दीपक का मुंह पे जबरदस्त क्या लगाया था पता नहीं सोया पड़ा था जाता है ना 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 कौन सी साबुन लाई थी लगते तो ना अच्छा ना भाई लगते का लिखा है लो करता मैं
देख रात ना आई स्पेशल बेचारी साथी मिल आई के कैब लगा हूं कैब करके आई है रात नहीं तो वही बोली अरे सुबह रे आ जाने नहीं बोली भैया को सरप्राइज दूंगी सरप्राइज तो मेरे नाइट में मां का हाल है ना ले तेरे हाथर के लिए ये पर तो एक गाय और थे ये नहीं बताती हां कल दिखा देंगे गाय को तेरी मारी तो लत्ते धोने वाली साबुन ला कर तो भी देख नूनू रंग नहीं कर जाएगा और काम बतेरिया ने लिया ये है सतरंगी बर्थडे कैसा लगा हमारा सरप्राइज सरप्राइज तो ठीक था इसमें मेहनत भी रहा कितनी लाग पहले वो साफ कर ले राम राम तो कोई बात नहीं कल हम जा लेंगे दिन में बतेरा दिन पड़े फिर तो कल पार्टी है फुल है जसन हो बारह बजे नींद खराब करके बेचारा की ये ज्योति का पर्स है इतनी तोड़ हो रही थी ना तो बेचारी ने पर्स भी उड़ा इधर दिया टाइम क्यों रहे होगा दीपक 12 बज के कै मिनट हो रही है देखिए तू तो सो गया था 12 बज के जब 40-45 मिनट हो रहे थे तो जी मैम ने एकदम आना पड़ गया रीना और दो रहा जरूरी काम काम बने पाचे दीपक करते करते दोबारा मारा गए मीन पे दोनों भाई बहन जुटे खड़े हैं जब मैं एक गेट इसने बांध रखे एक गेट इसने सही हो गया सही जमा तने पसंद करे था के यू तो अलग डिजाइन होना था इसका पत्ता का तो नहीं और रंग होना था सफाई करके फिर ले नू को नहीं हो सारा दिन भी रंग सही सफाई तो सामान देते लेमन दे दे करना अंडा नहीं हर नहीं करना मजा आ गया रंग मने पूरे गए था फिर शाम ना जीरो मम्मा देखिए क्या बात आई मोसी थी कंडेला पानी लगा बहुत नीत रहा जहाँ तक बात आवे मेरी माँ कुल्फी ले आई रे देख कुल्फी की मोजा और तो देखी जाएगी एक गेट का टोटा मारेगा और इन्ना इनको कौन था यो मन नहीं करे ना देख लो मार गया बड़ी टोटा
अरे ये मैंने इनकी कान नहीं हटके बनाई वांगी बोली बना रखी थी काली के काम थे लु जाओ पेंटर दी दबाओ चलो फिर हम जाओ बाय बाय टाटा ओए अल्ले हैं कटिस कला के दिखवाड़ गए और अगर डिम पेंसर प्रीति अपना माँ बाबी करा लिया मैं कराना पड़ेगा मना पेंसर ठीक है नी चल भी और ये मजदूर ने संभाल करा कि यो बेटे आ गए या इसका घर आली आली चुंदड़ी करके पंखा था घेर दे दी ठीक है दावा बढ़िया चलो चला तो जी आ गए मैं वापस घर आ और हमने बहुत टाइम लग गया और कोई खास जरूरी काम जाना पड़ गया था फिर योड़ा रंग लग गया गेट का करन बोले मैं करूंगा बढ़िया रंग फिर करना रंग में टाइम लग गया फिर चाय बना दी ना और ना बैठे रहे बतलाए गए रोटी भी नहीं खाई थी मन तो वही जा कर खाऊंगी कहा थी मन बोली खा ले रोटी मन ना मटर पनीर बना के आ रही है घर में और रिंकू ने छोड़ खाई रसोई में सारा काम छोड़ खाई मैं रिंकू ही बाय हम तोड़ी सी तू बना दी आज आज महा तू हेल्प कर दिए जो तिया रिंकू ने बनाई होंगी और किमे तो करना चाहिए काम उन भी ज्योति का फोन भी आ गया दीदी आए नहीं मैंने रोटी बना दी मैं ठीक है थोड़ी देर और रुक जा तो जी आ गए मैं मरीना और कहते हैं बस आकर बैठे हैं चाय चू बनाई है और इस आज का व्लॉग ने मैं उरा एंड करूँ हूँ आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में लाइक कर दियो शेयर कर दियो कमेंट कर दियो और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर दियो बाकी अगले व्लॉग में बने रहियो वो भी आप सब ना कुछ खास देखने ने मिलेगा इब हम आगे क्या की तैयारी करेंगे क्या की नहीं प्रेगनेंसी तय रिलेटेड है जरूर देखियो अगला व्लॉग भी ओके जी बाय बाय और हाँ चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर दो और एक बात और अपना एक और गाना आना हो रहा है जब भी आवेगा तो आप सब ना नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसने भी बहुत सारा प्यार दियो बाय बाय।